विवेक, हाय हाय विवेक। अच्छा नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ओके, कहाँ से हैं सर आप? मैं तो लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? लखनऊ से तो हम भी हैं सर। कहाँ से हैं लखनऊ से आप? मैं लखनऊ विकास नगर से हूँ। अच्छा विकास नगर से, हम गोमती नगर से हैं, तो हम तो पास ही पास में हैं। तो अभी नवाब साहब हैं? नहीं हम तो नवाब नहीं। क्यों? नवाबों के शहर जरूर बिलोंग, लेकिन हम दोनों नवाबों के शहर से हैं। तो शायरी पर मतलब सुनना कहना पसंद करते हैं आप? शायरी थोड़ी बहुत है पसंद। हाँ तो फिर आप आज सुनाइए, हम सुनेंगे। और आप लोग क्या करते हो मैम? आप भी हाउस वाइफ हैं? मैं भी हाउस। तो यहाँ दिल्ली में ऐसे घूमने आई हैं? अच्छा कैसा लगा आपको दिल्ली का माहौल? आप भी लखनऊ से हैं? नहीं मैं दिल्ली से। आप बॉर्न एंड बॉटम, यहाँ की जनरेशन थोड़ी अब ग्रेटर वर्जन होती है, हम लखनऊ वाले थोड़े कम होते हैं लेकिन ठीक ठाक होते हैं। आप कहाँ से हैं मैम? अभी लखनऊ से। अच्छा मैम और सर आप? मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर है। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपका प्लॉट है और ये मतलब सामने वाला प्लॉट है, ऐसा कह सकते हैं? मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, वो आप ही कह सकते हैं। हम तो बस उस चीज को फील कर सकते हैं बस। ओके सब ठीक है भाई। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, तो हमें एकदम मुरीद करते जा रहे हैं। नवाबों वाली नगरी हमारी लखनऊ है, नवाबों वाली नगरी हमारी लखनऊ है, कबाब बड़ा फेमस है। नवाबों वाली नगरी हमारी लखनऊ है, कबाब बड़ा फेमस है। माना दिल्ली अपग्रेडेड है, हमारा लखनऊ भी कुछ कम नहीं है। पार्लियामेंट अचीवमेंट हमने सब दिए हैं। एक बात बोले, हम बड़े भ्रष्टाचारी हैं लेकिन हम फिर भी दिल से मोहब्बत किए हैं। बढ़िया लगा सर आपका, मतलब एक बड़े फेमस शायर हैं मुनव्वर राणा जी। वो कहते हैं ना कि किसी को घर मिला हिस्से में या दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। और एक दो लाइनें उनकी काफी फेमस हैं, अब हमें याद नहीं है ज्यादा क्योंकि मैं बहुत फेमस उनकी लाइनें हैं। तो आप सर मैं चाहता हूँ एक दो कुछ लाइन सुना दें। देखो शौक तो आपको प्रॉपर होगा, मुझे तो पता है आप सुनने और कहीं ना कहीं कहते भी होंगे आप घर में। हालात के, हाँ एक मुझे याद आ गया जब आपने हालात का, हालात ने हमें ला करके कुछ यूँ छोड़ दिया, हालात ने हमें ला कर कुछ यूँ छोड़ दिया। हम बचपन में सिकंदर हुआ करते थे, आज पता नहीं क्या हो गए। हम बचपन में सिकंदर हुआ करते थे, हम पता नहीं आज क्या हो गए। लेकिन एक बात है, अपनी महबूबा के सामने हमेशा कलंदर होते हैं। सही बोल रहे ना? बात बहुत याद आई मैंने। हाँ। बहुत पुरान पहले एक प्रोग्राम था गजल का, जो हाँ। तो पाकिस्तानी एक शायर थे, वो आए थे, जो मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी गजल नाम थे क्या नाम था। हाँ। उन्होंने बहुत अच्छी गजल सुनी थी लखनऊ चारबाग में, रविंद्रालय याद जानते हो। अच्छा, हाँ। सुना था। हाँ। मुझे था शायर के, शेर के जो दो लाइन थे वो मुझे याद है कि खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए, मैं लूं नाम किसी और को, लब पे तेरा ही नाम आए। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये शेर था तो मुझे आज तक याद है, 20 साल पुराना। अरे एक बार चांद का टुकड़ा तो दिखा दीजिए, आप लोग छुपा के बैठे हैं। अरे दिखा दीजिए, आपके पति देव भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो उन्होंने तो परमिशन दे दिया, आपने, इन्होंने तो दिखा दिया। अब चलिए एक लाइन हमारी आप सुनते जाइए, खुद की कुछ बनाते हैं। चमक अगर आंखों में हो ना तो सामने वाले की तस्वीर देखने में खूबसूरत लगती है। चमक अगर अब मेरी आंखों में हो ना तो सामने वाले की तस्वीर देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन चमक अगर दिल में हो ना तो सामने वाले की तबीयत भी खूबसूरत लगती है। एक बात हम कहते हैं, तारीफ गजल तरन्नुम हम सब कुछ सुनाते हैं, लेकिन हाँ महबूबा चली जाए तो कुछ नहीं। हम उसी की याद में पूरी ज़िंदगी काट लेते हैं, हम उसी की याद में पूरी ज़िंदगी काट लेते हैं। हम जब भी तनहा होते हैं उसके आंचल में आके रो लेते हैं। वो तब भी बेवफा थी और आज भी है, वो तब भी बेवफा थी और आज भी है, फिर भी पता नहीं क्यों हम उसी की तारीफ करते हैं। आप तो मास्टर हैं, बहुत उम्दा। मैं भी गालिब उसी गलियों में टूटा हुआ हूँ जहाँ से शायरी की शुरुआत हुई थी। अच्छा सर मैं जानना चाहता हूँ, नाम क्या आपका? सलमान। सलमान खान के फैन तो नहीं आप? नहीं फैन तो नहीं हूँ सलमान खान के, लेकिन नाम बहरहाल टैली करता हूँ। देखिए अभी आपकी बेगम ने जो है मास्क उतारा है, तो चलिए एक बेगम के लिए आपकी खूबसूरत चेहरे को सुन तो लीजिए, खूबसूरत चेहरे को आजमाया कीजिए, खूबसूरत चीजों को आजमाया कीजिए, अगर इसको हो जाए तो फिर हाँ कहा कीजिए, अगर ना भी हो तो मुस्कुरा दिया करिए। ना सुन तो लीजिए पहले, बच्चे तो ठीक है आप जो चाहे आप कह सकती हैं, दिल तो हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ, आप जो भी चाहे हमें कह सकती हैं, अगर बगल में भाई साहब है तो हाँ कह दिया करिए। आपकी हॉबी क्या है वैसे?
बातें करना। वैसे आप लोगों में तो चार शादियां अलाउ हैं, तो आपने एक ही की है कि चार कर लिए? नहीं, अभी तक तो एक ही की है। इरादा तो नहीं है, कोई अच्छी मिली नहीं उसके पास। क्यों, आप अलाउ कर देंगे चार के लिए? आए, डिपेंड करता कैसी। काश मेरे जिंदगी में वो मुकाम आए कि हमारी भी चार बीवियां हो। काश मेरी जिंदगी में वो मुकाम आए कि हमारी भी चार बीवियां हो, एक उधर वाली हो एक उधर वाली हो। रात में हम जब भी जाएं उसके आंचल के, बहुत एक करीब से लाइन हम आपको सुनाते हैं, आपके दिल तक लगे। वो मेरी रूह को छू करके मुझे ही बदनाम करती है, वो मेरी रूह को छू करके मुझे ही बदनाम करती है, हमारी गलियों में आकर के वो किसी और से प्यार करती है। मेरा आंचल उसका आंचल जब मैं भी छूता हूँ तो बहुत अजीब सी सिसकन होती है, पता नहीं वो किसके साथ होकर आती है, फिर भी वो मेरी महबूबा होती है। मैं दुखी नहीं हूँ, ये तो मेरी आत्मा है। चलिए सर, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और भगवान करें कि आपकी एक ही शादियां हो। अच्छा नमस्कार, सॉरी, देखिए हमारा तो मैं इम्प्रेसिव हूँ ना भाई साहब, हैं अगर इम्प्रेस हो गए तो बता दीजिए। नहीं, आप इम्प्रेसिव हैं, अगर और लोग होते हैं आपके टेस्ट वाले तो उन्हें आप बहुत अच्छे लगे। मतलब हम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए? ठीक है, बच्चों के हिसाब से सही, बच्चों के हिसाब से। एक कहा, देखिए एक बात, एक बात बताएं, तन होता है मैला, मन की फितरत तो बदलती रहती है। पुराना कुकर सीटी बजाना छोड़ देता है क्या, उसमें तो और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो वही तो क्या? और एक और है, बिना कर चुकाए कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता, इसी खातिर है डूबना दरिया में, बिना डूबे भी दरिया का अंदाजा नहीं होता। एक बार आप हाय कर दीजिए कैमरे। चलिए भगवान आपको खुश रखे, कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम वो भी सह लेंगे।